हम लोग तो भाई कहते हैं कि जितने कार्यकर्ता हैं कि उनका भी उम्र लालू यादव में लग जाए, हमारा भी उम्र लालू यादव जी में लग जाए। अच्छा, आपको लगता है कि अभी भी इतनी हिम्मत बाकी है, वो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं? तो आपको ऐसा नहीं दिखता है क्या? मनेर का लड्डू लेकर और ये आपको गुलदस्ता लेकर शुभकामना देने आए हैं। नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी के एकमात्र कौन नेता है तो माननीय लालू प्रसाद जी। शुभकामना है कि सैकड़ों वर्ष जिंदा रहे ताकि हम लोग को मार्गदर्शन मिलता रहे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं 10 सैकड़ों रोड यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर, जहां पर सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो जुट चुके हैं, हाथों में फूल गुलदस्ता लिए हुए। और आज आपको बता दें, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का 76वां जन्मदिन है। ऐसे में इस जन्मदिन को विशेष बनाने की तैयारी है। कल देर रात को उनकी बिटिया मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी पटना पहुंची हैं। रोहिणी आचार्य जिन्होंने उन्हें किडनी दिया है, पिछले साल ही लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है सिंगापुर में, और फिलहाल वो स्वस्थ हैं, घर के अंदर हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं वो अंदर सुबह से पहुँचने शुरू हो चुके हैं, हाथों में देखिए फूल लेकर के लोग बाहर खड़े हैं, जो उनके समर्थक हैं वो खड़े हैं। और हर तरफ आप तस्वीर देख सकते होंगे, तमाम जितने उनके समर्थक हैं, पुराने लोग हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे कैसे देखते हैं 76वां जन्मदिन। बहुत हर्ष से, बहुत उत्साह से हम लोग 76वां जन्मदिन साहब का मना रहे हैं और बहुत खुशी है। लेकिन अस्वस्थ हैं वो काफ़ी, आप प्रार्थना करते हैं कि और भगवान को न, भगवान से हम लोग हमेशा सब कार्यकर्ता प्रार्थना करते हैं कि उनकी दीर्घायु उम्र के लिए वो हमेशा हम लोगों के बीच रहें और उनका आशीर्वाद जन्मों जन्मों तक इनका आयु बढ़ता रहे। कितने साल से आप यहाँ रहे? लगभग 32 साल से। 32 साल से जी हाँ। हर साल भेंट होती है, लगभग मुलाकात होती है साहब से, मुलाकात होती है, होती है। देखिए 76वां जन्मदिन है, उस 76वें जन्मदिन पर लालू प्रसाद केक भी काटेंगे पार्टी दफ्तर पहुँच के, और फिर सुबह सुबह आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह भी पहुँचे हैं, हाथों में फूल का गुलदस्ता लिए हुए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऐसे वो फूल का गुलदस्ता लिए पहुँचे हैं, लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं सुनील सिंह। उन्होंने कहा है कि उन्हें भगवान लंबी आयु दे, उन्हें दीर्घायु बनाए, और लड़ने की क्षमता अभी भी लालू प्रसाद में है। क्या कुछ कहे थे ज़रा सुनिए। भाई हम लोग तो भाई कहते हैं कि जितने कार्यकर्ता हैं कि उनका भी उम्र लालू यादव में लग जाए, हमारा भी उम्र लालू यादव जी में लग जाए। कहे कि भाई जो इस पूरे देश में जो अकलियतों के मसीहों, मतलब जन नायक जिनको आप कह सकते हैं कि जन मानस के जितने भी लोग हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी के एकमात्र कौन नेता है तो माननीय लालू प्रसाद जी। अच्छा, आपको लगता है कि अभी भी इतनी हिम्मत बाकी है, वो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं? तो आपको ऐसा नहीं दिखता है क्या? आपको ऐसा नहीं है भाई, इसी धरती पर तो वीर कुंवर सिंह भी जन्म लिए, जो आपने देखा होगा कि भाई 68 उम्र में भी उन्होंने तलवार चलाया था। तो जिस तरह से दुष्टता का प्रकाष्ठा है पूरे अभी देश में आप देख रहे होंगे, तो लालू यादव जी का तो भाई स्वस्थ रहना निहायत जरूरी है। तो समर्थकों ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बधाई दी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बधाई देने पहुंचेंगे इस बात की जानकारी है। घर के अंदर जो उनके बेटे बेटियां हैं वो मौजूद हैं। कल देर रात को ही केक काटा गया है, वो तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। केक काटा गया है, धूमधाम के साथ लालू प्रसाद का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और अब जब वो स्वस्थ हो चुके हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं जब वो पटना में हैं और उनका जन्मदिन है, विशेष तैयारी तो होगी ही, विशेष व्यवस्था भी होगी। सुबह से ही जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी चौकसी बढ़ा दी गई है, हाथों में फूल लेकर के सभी लोग जो हैं वो उन्हें हैप्पी बर्थडे कहने को तैयार हैं। और बड़े बड़े जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। भाई वीरेंद्र जो उनके बेहद करीबी हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जुड़ेंगे। हाथों में फूल गुलदस्ता है, मिठाई है, और उनसे हम बात करेंगे। आज 76वां साल उनका जन्मदिन का है, और पूरे बिहार सहित पूरे देश में गरीब सामाजिक न्याय के लोग, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के चाहने वाले लोग, सब आज जन्मदिन मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और बिहार में पूरे जगहों में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं भोज का आयोजन गरीबों के बीच में किया गया है, और हमारे यहाँ भी भोज का व्यवस्था मनेर और बीटा दोनों में किया गया है। और चूंकि अभी आए थे मनेर से, मनेर का लड्डू लेकर और ये आपको गुलदस्ता लेकर शुभकामना देने आए हैं कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव सैकड़ों वर्ष रहे हम लोगों के बीच में, ताकि मार्गदर्शन करते रहे, गरीबों का
जो काम है वो आगे बढ़ाते जाएं, गरीबों का सामान बढ़ाते जाएं। 2017 के बाद इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है और आप लोग के बीच हो रहा है लालू प्रसाद यादव जी? नहीं, हमेशा हर साल हम लोग मनाते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा खुशी है क्योंकि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी बहुत स्वस्थ हैं और स्वस्थ होते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग की शुभकामना है कि सैकड़ों वर्ष जिंदा रहें ताकि हम लोग को मार्गदर्शन मिलता रहे। सामूहिक रूप से केक भी काटिए। तो भाई वीरेंद्र जो हैं वो पहुँचे हैं राबड़ी आवास और बधाई देने के लिए। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में फूल का गुलदस्ता लिए हुए हैं, मनेर वाला लड्डू लिए हुए हैं, फूल का गुलदस्ता बेचते हैं, काफ़ी बेहतरीन ये फूल का गुलदस्ता है इनका, और मनेर वाला लड्डू भी लिए हुए हैं साथ में। तो वो मनेर का लड्डू खिलाएंगे लालू प्रसाद को। ये बड़ी तैयारी है, नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आवास के बाहर आकर पार्टी दफ्तर में केक भी काटा जाएगा ये भी हमने आपको बताया है। नीतीश कुमार भी पहुँचेंगे, वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।